हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टीएनसी स्विच कैसे काम करते हैं और इसका कनेक्शन कैसे रहता है और टीएनसी स्विच को कैसे चेक किया जाता है। एक व्यूअर कमेंट किया था, अभी मैं जो बोला हूँ ये सब चीज़ के बारे में वो कमेंट किया था कि कैसे इसका काम करते हैं, कैसे चेक किया जाता है और इसका कनेक्शन कैसे रहते हैं। तो इस वीडियो में आज वही हम लोग देखने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग का सामने देख सकते हैं, ये टीएनसी स्विच है, ये हम लोग का एचटी ब्रेकर है। ठीक है, एचटी ब्रेकर का टीएनसी स्विच है, हम लोग का वीसीबी ब्रेकर है, ये वाला नीचे वीसीबी ब्रेकर है, उसका टीएनसी स्विच है। तो इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग का सामने यहाँ पे देख सकते हैं, इसको टीएनसी स्विच बोला जाता है। टीएनसी का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज। बेसिकली जो ये टीएनसी स्विच है हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो हम लोग का वीसीबी जो ब्रेकर है ना, ब्रेकर के अंदर दो कॉयल रहता है, एक क्लोजिंग कॉयल और एक ट्रिपिंग कॉयल। तो बेसिकली हम लोग जो ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग टीएनसी स्विच को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ब्रेकर को मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से अंदर पे है सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग रिमोटली इसको ऑन ऑफ करना है तो फिर हम लोग इससे आराम से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए ये ना नॉर्मली ये न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन पे। ठीक है, जब हम लोग इसको ट्रिप करवाएंगे और इसको जब न्यूट्रल करवाएंगे तो क्या होता है, ये ट्रिप ऐसे करवाएंगे, करने के बाद ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, फिर छोड़ने के बाद ना ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजीशन पे आके ऐसे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग ब्रेकर को फिर क्लोज करवाएंगे, अगर क्लोज करते हैं तो हम लोग क्लोज करते हैं, फिर ऐसे छोड़ देने से ये भी फिर से न्यूट्रल पॉइंट पे आके ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो बेसिकली काम टीएनसी का ब्रेकर को हम लोग ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर का जो वायरिंग थोड़ा सा समझ लेते क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा टीएनसी स्विच, इसका कनेक्शन यहाँ पे इसका ना दो पेयर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से आप लोग को समझ में शायद आएगा नहीं, लेकिन हम लोग जब इसको भी इसके बाद ना इसको हम लोग कनेक्शन करके दिखाएंगे इसको कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देंगे तो उसमें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो पेयर है, यहाँ पे एक आया है, ये वाला एक कॉमन सप्लाई है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो है ये दो कॉमन सप्लाई है। ठीक ना, एक पेयर में है, ये वाला जो केबल है ये वाला गया है ट्रिप वाला कॉयल पे। ठीक है, ब्रेकर के अंदर में आप लोग को पता होगा दो कॉयल रहता है, ट्रिपिंग क्लोजिंग, ये वाला जो गया है ट्रिप कॉयल पे, और इस साइड में और एक केबल देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये वाला गया है क्लोजिंग कॉयल पे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ट्रिप साइड करते हैं टीएनसी स्विच को, तो फिर ट्रिप कॉयल में यहाँ से कमांड जाता है ये वाला केबल से, जब हम लोग क्लोज साइड करते हैं तो फिर क्लोज साइड से ये वाला केबल से कमांड जाता है। ठीक है, ब्रेकर का जो कॉयल रहता है और ऊपर में एक हम लोग कॉमन सप्लाई देते हैं। बेसिकली इसका अंदर का जो वायरिंग ऐसे किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, ये हम लोग का एक स्पायर फीडर है एचटी पैनल का, थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मीटर लगा हुआ है, माइक्रोम रिले लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर अभी चलिए ये जो टीएनसी स्विच है, टीएनसी स्विच को हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं और इसको हम लोग चेक भी करेंगे, इसको कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का सामने ये टीएनसी स्विच है, मेक जो है केसी का है, और इसका टाइप यहाँ पे टाइप का नंबर नीचे दिया हुआ है, और इसका जो रेटिंग है 25 एम्पियर का ये रेटिंग है। उसके बाद और कुछ इसके डिटेल के बारे में दिया हुआ है, वोल्टेज लेवल का है, इतना वोल्टेज से ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, आईसी कोड फोड दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं टीएनसी स्विच देखने में ऐसा रहता है। ठीक है, और अभी देखिए, अभी जो वहाँ पे आप लोगों को मैं बोल रहा था, इसका जो दो पैर रहता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर का एक साइड रहता है, ठीक है, इस साइड में कॉमन होगा, और इस साइड में ना जब हम लोग ट्रिप साइड जो हैंडल है, जब हम लोग इसको ट्रिप साइड नहीं तो न्यूट्रल साइड जब इसको घुमाएंगे तब यहाँ से सप्लाई आउटपुट निकलेगा। ठीक है, जो कॉमन वाला से आउटपुट यहाँ से सप्लाई निकलेगा। ठीक ना, और यहाँ पे एक पैर रहता है, और इसके साइड नीचे साइड और एक पैर है, यहाँ पे एक पैर और एक पैर रहता है। ठीक है, तो हम लोग दो पेयर से दो कॉमन सप्लाई देकर दोनों में यूज़ कर सकते हैं ट्रिपिंग और क्लोजिंग के लिए, और एक में कॉमन देकर और एक में से लूप देकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको ना एक कनेक्शन करेंगे कि एचटी पैनल में तो ठीक से नहीं दिखा पाए हैं कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे कनेक्शन होता है। तो फिर अभी हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन करने से पहले अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, मतलब कौन सा वाला कॉमन है और कौन सा वाला से ट्रिप का निकलेगा और कौन सा वाला से क्लोजिंग का निकलेगा। ठीक, तो हम लोग क्लैम्प मीटर के थ्रू चेक करेंगे, ये रहा हम लोग का क्लैम्प मीटर। ठीक है,
जिससे हम लोग अभी चेक करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो टर्मिनल हैं, यहाँ पे हम लोग जो है किलोमीटर का जो सेट है हम लोग इसको कंटिन्यूटी में रखे हैं। रखने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनल जो है ये वो इस साइड वाला कॉमन, हम लोग पहले से इसको चेक कर लिए थे, इस साइड वाला कॉमन है और इस साइड वाला से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अभी देखिए सामने जो है ट्रिप है, न्यूट्रल है, क्लोज है, तभी हम लोग एक एक साइड घुमाएंगे कौन सा साइड में यहाँ पे ना इसमें जो बजर है, बजर यहाँ पे बजना चाहिए। अभी ट्रिप साइड घुमाने से बजता है या क्लोज साइड घुमाने से बजता है वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अभी जो जिस वाला साइड में बजेगा बजर, तो वो वाला सप्लाई हम लोग उस हिसाब से क्लोजिंग कॉइल में नहीं तो ट्रिपिंग कॉइल में देंगे। क्लोजिंग कॉइल में देने से ये वाला क्लोज साइड में आएगा और ट्रिपिंग कॉइल वाला में देने से ये ट्रिपिंग वाला साइड में आना चाहिए, ठीक ना। तो अभी हम लोग इसको घुमा के देखते हैं। चलो भाई घुमाओ, देखिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप साइड में यहाँ पे बजर यहाँ पे साउंड कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो यहाँ से हम लोग केबल लेके ट्रिप वाला कॉइल में दे सकते हैं। अभी क्लोज साइड घुमाओ, देखिए क्लोज साइड में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, देखिए अभी ये क्लोज वाला साइड में नहीं आ रहा है, ठीक ना। अभी छोड़ दो, छोड़ने का देखिए ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रल में आके उसका जो रियल पोजीशन जो है वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए कॉमन सप्लाई देंगे और यहाँ से हम लोग आउट लेके क्या करेंगे, कॉइल में देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ट्रिपिंग वाला तो निकल गया है, अभी हम लोग क्लोजिंग वाला भी निकल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑरक वाला जो पैर था, ठीक है, इसमें हम लोग सेट कर लिए थे। पहले हम लोग इसमें लगाए थे, यहाँ पे कॉमन रखे थे और यहाँ से हम लोग को ट्रिप मिला था, तो हम लोग फिर से यहाँ पे कॉमन रख दिए हैं अपोजिट साइड वाला कॉन्ट्रैक्ट में और यहाँ से हम लोग को क्लोज में निकलना चाहिए, मतलब क्लोज में बजर साउंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो घुमाओ क्लोज साइड, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज वाला साइड में यहाँ पे साउंड कर रहा है, दैट मीन्स ये हो गया, इससे हम लोग क्लोज वाला कॉइल में सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर में ऐसा हो गया है एक सेट, तो ये वाला एक पेयर है, ठीक है। अगर ऐसे करके ना आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे कि यहाँ पे क्लोज में जब हम लोग घुमाए थे, क्लोज में घुमाने के बाद यहाँ से निकलना चाहिए तो यहाँ से फिर ठीक ठाक निकल रहा था, मतलब बजर बज रहा था। अगर नहीं बजता है तो दैट मीन्स ये जो TNC स्विच है ये खराब हो गया, अंदर से कुछ कॉन्टैक्ट मिस हो रहा है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा हटाओ, अभी देखिए जैसे कि ऊपर में एक वाला, ऊपर में ये एक पैर है, ठीक है, इसका नीचे ना सेम ऐसे और एक पैर दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते ये रहा, ठीक है। अगर ऊपर वाला कोई भी एक पैर खराब हो जाता है तो फिर नीचे से एक पैर मल्टीमीटर से चेक करके या क्लाइमेटर से चेक करके फाइंड करके आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में खराब हो जाता है तो फिर आपको TNC स्विच चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको छोटा सा कनेक्शन करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा सेटअप रखे हैं, दो इंडिकेटर हम लोग रखे हैं, देखिए ये जो है हम लोग के पास दो लाइटिंग इंडिकेटर हैं जो पैनल पे हम लोग जो यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे दो कनेक्शन करेंगे, इसको हम लोग मान के चलेंगे ट्रिपिंग कॉइल है और इसको हम लोग मान के चलेंगे क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है। तो उस हिसाब से ना पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कनेक्शन किया है। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों का बोर्ड है 234 का है, ठीक है, फेज और न्यूट्रल, देखिए ये जो फेज वाला है, ठीक है, येलो वाला हम लोग का फेज है, फेज देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ला के ये जो TNC का यहाँ पे जो टर्मिनल था जहाँ पे हम लोग कॉमन रखते हैं, कॉमन में हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं येलो वाला केबल, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एक लूप लेके हम लोग ऑपोजिट साइड में सामने वाला जो कॉन्टैक्ट था उसमें हम लोग लूप मार दिए हैं, ठीक है। ये हम लोग का कॉमन कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ड्राइंग ना मैं साइड में स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, यहाँ से भी देख सकते हैं ऐसे कनेक्शन किया गया है। और जो हम लोग का जो पैनल है, पैनल पे भी सेम ऐसे कनेक्शन किया जाता है, ठीक ना। तो हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आउटपुट दो केबल निकला है, एक ट्रिप के लिए और एक क्लोजिंग के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक दिया है ये वाला, यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए ट्रिपिंग वाला इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ से एक केबल गया है, देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे
ठीक है। और एक केबल जो निकला यहाँ पे क्लोजिंग वाला, यहाँ पे क्लोजिंग वाला है, ठीक ना। और जो न्यूट्रल यहाँ पे हम लोग दिए हैं रेड वाला केबल है, ठीक है। थोड़ा केबल थोड़ा जॉइंटिंग है, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो न्यूट्रल है डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन दे दिए हैं। यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, फिर यहाँ से एक लूप होके ये वाला केबल यहाँ पे नीचे जा रहा है जो ग्रीन वाला है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बेसिकली ऐसे किया गया है। तो अभी हम लोग मतलब इसको ऑपरेट करके देखते हैं ट्रिप में कौन सा वाला इंडिकेटर ग्लो करता है और क्लोजिंग में कौन सा वाला इंडिकेटर ग्लो करता है, ठीक है। तो फिर चलो अभी इसको थोड़ा रोटेट करो, देख सकते हैं। अभी करो ट्रिप साइड पहले करो, ये थोड़ा हार्ड रहता है। देखिए अभी देखिए ट्रिप वाला ये वाला अभी जल रहा है इंडिकेटर, ठीक है। ट्रिप साइड जब हम लोग किए यहाँ पे ये वाला जल रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए जो इंडिकेटर जो है वो वाला ट्रिपिंग कॉयल है, ठीक है। अभी जब हम लोग इसको ट्रिप वाला साइड में करेंगे ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको क्लोज वाला साइड में कर देखो। अभी जैसे कि इसको हम लोग छोड़ दिए हैं, छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजिशन में आ जाता है। अभी इसको क्लोज पोजिशन में करो, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जैसे कि इसको क्लोज पोजिशन में किया तो यहाँ पे जो इंडिकेटर ये वाला ग्लो हो गया है। तो दैट मीन्स क्लोज साइड में जब किया करने के बाद वो वाला मान के चलिए क्लोजिंग वाला कॉयल है, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग होगा ब्रेकर, इसमें ट्रिपिंग होगा। फिर इसको छोड़ दो, देखिए छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में आ जाता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि TNC स्विच कैसे काम करते हैं और इसको कैसे चेक किया जाता है और ब्रेकर में हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्शन इसका ऐसे किया जाता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।